डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉल साइंस हेल्प के सिविल सर्विसेज मेंस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्स की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था अपने कम्युनिटी टैब में कि जो सेशन, जो सेमेस्टर के बीच का जो गैप है उसमें मैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम के कुछ टॉपिक्स मैं शुरू करूंगा, लेकिन मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि बीए ऑनर्स के सिलेबस को ख़त्म करके सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाए, लेकिन स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे मैंने इसको पहले ही शुरू कर दिया है। आई विल कंटिन्यू इट फॉर कंसिडरेबल टाइम। अभी मेंस में काफ़ी टाइम है, मुझे आशा है कि मैं इसको कवर कर पाऊंगा। इस चैनल के इस पार्ट का, जो सिविल सर्विसेज मेन्स पार्ट का, एक बहुत सिंपल सा एम है, यह दूर दराज जितने इंडिया में बच्चे हैं एस्पिरेंट्स एंड सिविल सर्विसेज के, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दिल्ली जैसे टाउन में आकर के कोचिंग करने का, मेरा प्रयास रहेगा कि उन्हें उस लेवल का ऑनलाइन फ्री कोचिंग मिले। इस मीडियम की बहुत लिमिटेशन है, यूट्यूब पे आप बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, आप बहुत लंबा देर तक देख नहीं सकते हैं, मैं आपके फेस टू फेस नहीं है, बट हम लोग कोशिश करेंगे अपने इंटेलेक्चुअल फैकल्टी को बेस्ट यूज करके, आपसे इंगेज करके, एक वॉट एवर पॉसिबल वे में समझने की कोशिश, एक रिसर्च के बेस पे। यह मेरा एक ईमानदार प्रयास होगा। आई डोंट नो आपको कितना ये हेल्प कर पाएगा, लेकिन मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं होगी। मैं शुरुआत कर रहा हूँ चेस्टर बर्नार्ड से, जिसको मैंने बीए ऑनर्स के सिलेबस में नहीं होने के चलते कवर नहीं किया था। ये फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बुक पे आधारित है, माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है। आप एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे, सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, और जब आप कैरियर खत्म करने पे भी होंगे तब भी ये बुक आपको उतना ही इंस्पायर करेगा जितना कि आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस बिगिन। सो लेट अस सी कि पार्ट वन में क्या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज मेंस में इस टॉपिक से पूछे गए हैं उस पर एनालिसिस करेंगे, चर्चा करेंगे। पूर थॉट्स ऑफ बर्नार्ड्स कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज सोशल कोऑपरेटिव सिस्टम, जो उनके कोर थॉट हैं, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी उनकी कह लीजिए क्या है ऑर्गेनाइजेशन, उस पर डिस्कस करेंगे। देन वील कम टू फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देन एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एंड फिक्शंस ऑफ अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहाँ लाई करती है, उसका जो एक बहुत ही नया उन्होंने जो आइडिया दिया है उस पर चर्चा करेंगे। एंड फाइनली जो दो उनके नोबल कॉन्सेप्ट हैं, सेटिस्फैक्शन कंट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम और जोन ऑफ इंडिफरेंस करके, इस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को हम खत्म करेंगे। रिमेनिंग जो पार्ट होगी उसमें उनके बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं, लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, एंड देन वी विल सम अप। So this is all we are going to cover. So सबसे पहले हम पास्ट ईयर्स के सिविल सर्विसेज मेंस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं हर वीडियो में इसको लूंगा। मैंने पास्ट 5 साल के क्वेश्चन को लिया है। 2019 में यदि आप देखें तो चेस्टर बर्नार्ड्स इन हिज बुक फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजेक्टेड द सोशल इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Explain in this context how the executive is expected to play a much greater role than manager. इस क्वेश्चन को बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं 15 मार्क्स के हैं, आपको 200 वर्ड में लिखने हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक पेज से ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा आंसर है इन सब का। और इसमें जो खास बात है वो है द सोशल वर्ड, और कैसे जो है मैनेजर का रोल और एग्जीक्यूटिव का रोल डिफरेंट हो जाता है एज फर एज ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट इज, जो ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल यूनिट इज कंसर्न। 2018 में क्वेश्चन है, चेस्टर बर्नार्ड्स मॉडल ऑफ कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम इज स्टिल कंसीडर्ड ए लॉजिकल मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशन, डू यू एग्री, गिव आर्गुमेंट्स। ये एक बहुत स्पेसिफिक उनका कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द मेनी थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट्स, तो इस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे। और आप, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एग्जीक्यूटिव पोजिशंस इंप्लाई ए कॉम्प्लेक्स मोरलिटी एंड रिक्वायर ए हाई कैपेसिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेस्टर बर्नार्ड कॉमेंट। ये उस पोर्सन से फंक्शंस के ली गई है जहां पे की मोरल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही उन्होंने जो है मोरलिटी से एड कर दिया। ये भी एक बहुत नोबल कॉन्सेप्ट था, तो हम लोग जो है इस पे भी एक पूरा स्लाइड मैंने रखा है इसको समझने के लिए। 2015 में क्वेश्चन है, कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी सीम्स फर्दर अफील्ड, फर्दर अफील्ड मतलब बहुत ड्रिफ्ट अपार्ट, मतलब उसे बहुत डिफरेंट है, सीम्स फर्दर अफील्ड ऑफ चेस्टर बर्नार्ड्स फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव देन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी, एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इकोलॉजिकल एलिमेंट्स इन बर्नार्ड थॉट। ये क्वेश्चन
का लैंग्वेज थोड़ा ट्विस्टेड है, कहती बहुत सिंपल सी बात है, आपको ऐसे दिक्कत हो हिंदी भाषी लोगों को तो आप उसका हिंदी में जो लिखा हुआ अनुवादित क्वेश्चन है उसको बार बार पढ़ें। ये इसमें इंग्लिश के वर्ड को ट्विस्ट किया गया है। ये बेसिकली ये कहता है कि जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है बर्नार्ड्स के ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में, उसको हाईलाइट कीजिए इस जो सेंटेंस जो है उसके स्टेटमेंट के आलोक में। ये सेंटेंस ये कहता है कि बाकी भले बहुत कुछ बदल गया हो बर्नार्ड के ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी से, लेकिन उनका जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो अभी भी मॉडर्न जो थ्योरी है उससे बहुत करीब है। इतना ही बात ये कहता है। इस पर भी हमने एक स्लाइड इस पर रखा है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। यदि आप इस क्वेश्चन को देखें नट सेल में, मेरे वो स्टूडेंट जो कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड आता है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत सिंपल सा आपका आता है, लेकिन बात वही होती है, आपको थोड़ी ज्यादा इनोवेशन रखनी है अपने जवाब देने में। दूसरे जो ऐसे सिविल सर्विस एस्पिरेंट है जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कभी नहीं पढ़ा है और वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लाइक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अदर प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है, आपको बहुत कॉमन सेंस से समझनी है, आप एक बहुत अच्छी पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन आपको एक पैशन और एक सोशल साइंस के लिए एक एप्टीट्यूड होनी चाहिए और थोड़ी आपको बैकग्राउंड तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ ऑनर्स के जो सिलेबस है उसको कवर करने की जरूरत पड़ेगी। सो लेट अस मूव with this analysis of the question. सबसे पहले थोड़ी सी इनकी जीवनी बहुत ज्यादा नहीं। He belonged to a lower middle class. Father was mechanic, तो गरीब थे। Harvard ड्रॉप आउट थे, उन्होंने वहां पढ़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं, फेल हो गए, मतलब बाहर निकल आए। सोचिए मतलब कैसी बात है। और उन्होंने बाद में हार्वर्ड में जाकर पढ़ाया। बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ न्यू जर्सी बेल टेलीफोन कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जो AT&T जिसको बोलते हैं, उसके जो है एक पार्ट के जो है प्रेसिडेंट बने 1928, मतलब 41 साल की उम्र में, और वहां बहुत अंत तक रिटायरमेंट तक रहे। आफ्टर रिटायरमेंट बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के। वर्ल्ड वॉर टू में इनका बहुत बड़ा रोल था, यूनाइटेड स्टेट्स में, इवन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन में भी इनका रोल था। इन 1938 He wrote only book, The Functions of the Executive, जो कि उनके पूरे जीवन भर का जो अनुभव था और जो उनका ज्ञान था उसका उन्होंने सार जो है उन्होंने भर दिया Functions of Executive में। और ये बुक अभी भी 50-60 साल बाद इतना रिलिवेंट है, 70-80 साल बाद कह लीजिए, इतना रिलिवेंट है कि इस पर अभी भी जो है रिसर्च हो रहे हैं उनके थॉट्स पे। The Functions of Executive is considered most thought-provoking book on management and organizational written by a practicing executive. The functions was paradigmatic shift in public administration. मतलब एक तरह का पूरा आमूल चूल जो है चेंज था, जो क्लासिकल साइंटिफिक थ्योरी से ये इन्होंने मॉडर्न बिहेवियरल अप्रोच पे ला दिया। और इससे इंस्पायर होकर के तीनों स्कूल, जो इंस्टीट्यूशनल स्कूल, ह्यूमन रिलेशन स्कूल और डिसीजन मेकिंग, जिसको साइमन ने जिसको कि एक नई ऊंचाई पहुंचाया, ये सब जो है बर्नार्ड से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस। इनफैक्ट साइमन तो कहते हैं कि मैंने सारी अपनी जो रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी बनाई वो बर्नार्ड के फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव के आधारित था। ट्रूली ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। यहां पे एक आपको जानना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव वर्सेज मैनेजर क्या होता है, क्योंकि ये कहते हैं फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जनरल में हम कहते हैं कोई भी जो ऑफिस में मैनेजरियल पोजीशन पे काम करता है वो एग्जीक्यूटिव है, प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन थोड़ा फर्क है। मैंने अपने एक पूरे वीडियो में जो है पब्लिक मैनेजर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस पब्लिक मैनेजमेंट में बताने की इसको कोशिश की थी। आज फिर से इसको देखिए। एग्जीक्यूटिव आर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर, पार्ट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दोज हु डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, गोल, जो बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, उसका गोल सेट करते हैं, टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, हाई लेवल डिसीजन, एंड मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन ए गोइंग कंसर्न। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उसको एक जिंदा रखते हैं, उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये जो हाई लेवल फंक्शनरी होते हैं वो एग्जीक्यूटिव है एज पर बर्नार्ड। मैनेजर्स जो है दे आर ऑपरेटिव लेवल अथॉरिटीज हु मैनेजेस डे टू डे टास्क, मार्शल रिसोर्सेज टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स, लोअर इन द हायरार्की। जैसे जैसे मैनेजर लोअर होते जाते हैं, सॉफ्ट फ्लोर तक जाते रहते हैं, वो मोर एंड मोर रूटीन जॉब करते हैं और टेक्निकल जॉब करने लगते हैं। तो एग्जीक्यूटिव आप समझ लीजिए ऊपर है, मैनेजर उसके नीचे है, डे टू डे फंक्शन मैनेजर करते हैं, हायर गोल जो सेट करना और जो पॉलिसी बनाना वो एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। सो दिस इज एग्जीक्यूटिव वर्सेज मैनेजर।
ये स्लाइड मैंने इसलिए रखा है कि यदि आपने बर्नार्ड को पढ़ा है तो आपको ये स्लाइड ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये उनका जो कोर थॉट जो पूरे बुक में रन करता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी से प्रभावित है, वो है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। मतलब कैसे एक मैन वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडिविजुअल फ्री विल या उसकी जो इंडिविजुअल डायनेमिज्म है या एजेंसी है, वो कैसे टकराती है ऑर्गेनाइजेशनल कॉमन पर्पस से, कॉपरेशन से, डिटर्मिनिज्म से, कैसे वो अपने को उसमें सब रिज्यूम कर देता है अपनी आइडेंटिटी को, और उसमें क्या कंफ्लिक्ट होता है, इसका पूरा थॉट जो है इस बुक में, उसी से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश की है, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, ह्यूमन के बिहेवियरल और मोटिव और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा जो दूसरा नोवल थॉट उनका है वो है मोरल डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बार्नार्ड के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक ऑटोनोमस मोरल यूनिट है, उसका अपनी मोरलिटी है, जैसे एक नेशन का मोरलिटी होती है, और वो इंडिविजुअल मोरलिटी से अलग हो सकती है, उसकी कॉम्प्लेक्स मोरलिटी होती है, और जो उसके लीडर्स होते हैं वो मोरल लीडर होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक्चुअली मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मोरल डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इसमें बहुत ज्यादा बढ़ करके उन्होंने इसको इस पर विचार किया है। तो दीज आर द टू कोर थॉट। अब यदि हम देखें थोड़ा सा इस पे और कि इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, सिस्टमेटिक है, कोऑपरेशन है इसमें, रेजिमेंटेशन है, आपको मतलब अपनी इंडिविजुअल विचारधारा को सब रिज्यूम करना छोड़ना पड़ेगा, कलेक्टिविटी है, आपको कलेक्टिव मतलब कॉमन पर्पस के लिए अपने को सर्वस्व अपने को अपना समर्पण करना होगा, डिटर्मिनिज्म है मतलब कि सोसाइटी या कॉमन पर्पस के लिए अपने को दान दे देना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पर्सन, और इसमें आपका पर्सनैलिटी कहीं पे डिसइंटीग्रेट होता है, एज ए पर्सन जब आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं तो आपका बहुत कुछ दब जाता है, वहां पे उसको बर्नार्ड कहते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट में देखिए तो उसको पावर ऑफ चॉइस है, कैपेसिटी ऑफ डिटर्मिनेशन है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, और पोजीशन ऑफ फ्री विल है। जब ये दोनों टकराते हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है तो कैसे ये कॉपरेशन होता है, कैसे मिल के जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पर्पस पूरा करते हैं, कैसे इंडिविजुअल अपनी फ्री विल को दबाता है और कलेक्टिविज्म में अपने को सब रिज्यूम करता है, इसको लेकर के इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी बनाई है। इसके चलते इनके पूरे बुक में डायकोटमी आपको मिलेगी, स्ट्रक्चर वर्सेज एजेंसी, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सप्लेन करेंगे, होल वर्सेज पार्ट, ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ए होल है, ए सिस्टम है, जिस जो पार्ट से बनता है, इंटरकनेक्टेड पार्ट है, जिसमें ह्यूमन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन होल जो है मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट होता है, जो किसी भी सिस्टम में होता है। फॉर्मल अथॉरिटी वर्सेज एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी ये देते हैं, मतलब जो हम कहते हैं कमांड एंड कंट्रोल, ऊपर से ऑर्डर आया नीचे माना, उसके बदले वो कहते हैं नहीं, अथॉरिटी एक अलग चीज है, अथॉरिटी वो है जो सबॉर्डिनेट एक्सेप्ट करता है, जो वो मानता है, अदरवाइज कोई अथॉरिटी नहीं है, आगे हम देखेंगे कैसे। अथॉरिटी वर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर भी डायकोटमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैंने बोला वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाते हैं एग्जीक्यूटिव का, और अथॉरिटी आपको लीगल जो है वो कमांड या पावर देता है। वर्टिकल वर्सेज हॉरिजेंटल, ऑर्गेनाइजेशन एक हायरार्किकल वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, जहां पे कि सबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप होता है, जबकि जो इंडिविजुअल है वो ऑलवेज हॉरिजेंटल रूप में जुड़ना चाहता है, जहां पे कोई ऊपर कोई नीचे नहीं हो, इसकी भी डायकोटमी है। फैक्ट, लॉजिक, लॉज, रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन वर्सेज वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोरल, कल्चर, फ्रीडम, ऑटोनोमी, इन सब का जो कंफ्लिक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में रिफ्लेक्ट होता है। बर्नार्ड के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन एज ऑटोनोमस मोरल यूनिट, मैंने आपको बताया है ऑर्गेनाइजेशन की कम्प्लेक्स मोरलिटी होती है, क्योंकि वहाँ डिफरेंट मोरल कोड होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से इंडिविजुअल आते हैं जिनका अपना अपना मोरल इथिक्स कोड होता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन मल्टीपल मोरल कोड होता है, इंडिविजुअल वर्सेज ऑर्गेनाइजेशन मोरल कोड में कन्फ्लिक्ट होता है, लीडरशिप एज ए क्रिएटर ऑफ मोरल कोड्स मानते हैं बर्नार्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन मोरल कोड, और उनके लिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नथिंग बट इफेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन द मोरल कोड। तो ये सारी जो इनके थॉट जो है, और यही थॉट से जो है पूरा समझिए कि फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बना है, ये कोर है। यदि आप पूरा बुक पढ़ लेंगे तो इस स्लाइड को यदि आप समझेंगे, या बहुत सारे वीडियोस या टेक्स्ट पढ़ने के बाद, तो आपको ये समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत ज्यादा हड़बड़ी में आप कह लीजिए। आइए अब हम शुरुआत करते हैं समझने की, और उनकी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है बर्नार्ड की, विद दिस बैकग्राउंड, उनके अनुसार से ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशल कोऑपरेटिव सिस्टम। उन्होंने सोशल इंजेक्ट किया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑर्गेनाइजेशन, ही डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशन एज सिस्टम ऑफ कंसियसली कोऑर्डिनेटेड पर्सनल एक्टिविटीज और फोर्सेस ऑफ टू और मोर पर्सन। आप समझिए क्या कहते हैं,
दो या दो से अधिक लोग जब अपनी ताकत या अपनी एक्टिविटी को ज्वाइन करते हैं कंसियसली जानबूझकर के कोऑर्डिनेटेड वे में कॉपरेट करते हैं कुछ ज्यादा अचीव करने के लिए, तो इस सिस्टम को हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसमें बहुत विवाद भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ये डेफिनेशन सही है नहीं है, बट मेरे अनुसार से ये बहुत ही सही है। व्हाई इंडिविजुअल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन उन्होंने इंडिविजुअल के मोटिव से पूछा है, कोई क्यों ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन को डिसइंटीग्रेट होना पड़ता है, अपने को सबज्यूम करना पड़ता है, उसकी पर्सनैलिटी धूमिल हो जाती है, उसको डिटर्मिनिज्म मानना पड़ता है, कलेक्टिविज्म करना पड़ता है, उसकी फ्री विल गायब होती है। ऐसे क्यों करता है? बिकॉज बार्नार्ड से दैट कोऑपरेशन हेल्प ओवरकम फिजिकल एंड कॉग्निटिव लिमिटेशन। उन्होंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया जो साइमन ने उसको बहुत बड़ा बना दिया, बाउंडेड रैशनलिटी। उनका कहना था कि एक इंडिविजुअल की एक लिमिटेशन है, उसकी फिजिकल, बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव, मतलब सोचने की लिमिटेशन है, तो उसको ओवरकम करता है वो दूसरे से हाथ मिला करके। तो दो लोग या दो से अधिक लोग जब अपनी ताकत को मिला देते हैं तो वो दो लोगों की ताकत से बढ़ करके हो जाता है, मतलब होल बिकम मोर देन द पार्ट। यहाँ पे हाना आर्डेंट को आप याद कीजिए, जो बोलते हैं कि पावर इज कलेक्टिव वेंचर, जब कलेक्टिव कंसर्ट में लोग काम करते हैं तो ताकत होती है, तो ताकत बढ़ जाती है। इसका एक एग्जांपल इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आपको देता हूँ, एक वीक के बाद मैं दूसरा बना पाऊंगा, लेकिन मान लीजिए कि 10 लोग मिल करके, जैसे बायजूस एक प्लेटफॉर्म है, यूएन एकेडमिक प्लेटफॉर्म है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कई क्रिएटर मिल करके आपको जो है डेली वीडियोस दे सकते हैं, तो वो सब मिल करके उस कॉपरेटिव वेंचर से जो एक सोशल यूनिट भी है, आपकी उनकी जो ताकत है वो बढ़ जाती है, वो अपने फिजिकल और कॉग्निटिव जो लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई इंडिविजुअल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एज पर बर्नार्ड, इट इज ट्रू ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो फुलफिल सोशियोलॉजिकल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यस, बिलोंगिंगनेस का। आप मतलब सोचिए कि लोग रिटायरमेंट के बाद, पैसे पूरे, पेंशन मिलने के बाद भी क्यों काम ढूंढते रहते हैं? क्योंकि उनको वो बिलोंगिंगनेस का जो फीलिंग है कि आपको एक सोशल एक्सेप्टेंस हो, ग्रुप में आपका एक पीयर हो जिसके साथ आप बात कर सके, शेयर कर सके, वो आपको ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसी से कम्युनियन निकलता है, मतलब आप कम्युनिकेट करते हैं, आपको फील होता है कि आपकी बात कोई सुन रहा है, आप डायलॉग करते हैं, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से, और पर्पस आपको मिलता है लाइफ का। तो ये जो सोशियोलॉजिकल नीड्स भी ऑर्गेनाइजेशन पूरा करता है, इसके चलते भी लोग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, केवल पैसे के लिए नहीं करते हैं या केवल ताकत बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। थ्री एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज पर बर्नार्ड इज कम्युनिकेशन, वो मस्ट है। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताया, वो बेल कंपनी के प्रेसिडेंट थे, मतलब कि जो टेलीफोन कंपनी थी, तो उनके लिए कम्युनिकेशन ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उन्होंने कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशन का कोर माना कि वही जो है क्रक्स है, वही नेटवर्क है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो नोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके अनुसार से। देन कम्युनिकेशन, विलिंगनेस टू कॉपरेट एंड कॉमन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन एसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के। Organizational system is maintained by effective communication. Executives and managers are nodes of communication channel. By process of communication, purpose gets translated into action. Only जब आप communicate करते हैं, उनके अनुसार से authority कुछ नहीं है, it is a character of communication. Order is nothing but a particular type of communication. तो वो communication जो है वो purpose को action में बदलता है, उसी से act होता है। Willingness क्या है? Willingness है कि टू जब इंडिविजुअल कॉपरेट करते हैं, वो मानते हैं ऑथोरिटी को, ऑर्डर को, और वो पर्पस को एक्शन में बदल करके पर्पस को पूरा करते हैं, तो वो विलिंगनेस है। विलिंगनेस तभी आता है बर्नार्ड के अनुसार से जब इंडिविजुअल मोटिव जो है ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई होता है। इसका मायने ये है कि सेटिस्फेक्शन शुड बी मोर देन द कंट्रीब्यूशन। एक इंडिविजुअल जो सेक्रीफाइस करता है, जो बर्डन उसके ऊपर आती है, उससे ज्यादा यदि उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो जो है कोऑपरेट करने के लिए विलिंग होगा। Organization's purpose should be known and acceptable to its employees and relevant and suitable to its external environment. यहाँ के ecological देखिए कैसे चले जाते हैं। उनका कहना है कि जो organizational purpose है वो सभी को पता होना चाहिए, सभी employee को वो acceptable होना चाहिए, employee को उस पर belief होना चाहिए। यहाँ leadership का role बहुत important है, और वो जो purpose है या goal organization का, वो socially कल्चरली रिलीवेंट होना चाहिए, जो उसका सोशल कल्चरल सेटिंग, जो इन्वायरमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है सपोर्ट मिलेगा इन्वायरमेंट का, और वो थ्राइव करेगा, नहीं तो विदर अवे हो जाएगा। एंड फाइनली एक बार फिर से ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस और इंडिविजुअल मोटिव ऑलवेज टकराते रहते हैं, जो कि डायकोटोमी उनके पूरे बुक में रन करता है, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म।
So this is in nutshell what is organization as per Chester Barnard. इसी को थोड़ा हम आगे ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव जो विलिंगनेस की जो मोटिव है क्यों लोग कॉपरेट करते हैं उस पर थोड़ा सा देखें तो उन्होंने कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम नाम का एक नोवेल कॉन्सेप्ट दिया बहुत सारा चीज दिया उसमें से एक ये है इस पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है ये है क्या इंडिविजुअल ज्वाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपैंड देयर फिजिकल एंड कॉग्निटिव लिमिटेशन मैंने आपको बताया उसको बढ़ाने के लिए अपनी ताकत को और अपनी दिमागी ताकत फिजिकल ताकत की जो लिमिटेशन है उसको बढ़ाने के लिए ज्वाइन करते हैं जिससे कि होल बिकम मोर देन द पार्ट to achieve more for their contribution. तो इनका aim ये होता है individual का कि हम जितना contribute करते हैं उससे ज्यादा हमें जो है वो satisfaction मिले तभी जो है हम organization नहीं तो हाँ अकेले अपना काम करेंगे. So organization can obtain sustained cooperation from individuals only when satisfaction they draw from organization is more than their contribution. So individual derive satisfaction from inducements जो benefit मिलता है organization से material या non-material वो inducement है for willingness. They contribute by way of burden, sacrifices for organization. सुबह सुबह उठ करके आना अपने इंडिविजुअलिटी को सैक्रिफाइस कर देना ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी को मानना और एक पर्टिकुलर तरह का जो पर्सनल डिसइंटीग्रेशन होता है उसको फेस करना एक रोल को निभाना ये सब जो है बर्डन है सैक्रिफाइस जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंडिविजुअल लेता है तभी केवल लेता है जहां सेटिस्फेक्शन इज मोर देन द कंट्रीब्यूशन यदि ये दोनों बराबर होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में होने का कोई मतलब नहीं है वहां पे यदि जबरदस्ती आप जैसे गवर्नमेंट में आप बोलिए या कहीं पे यदि कोई काम करेगा यदि उसकी सेटिस्फेक्शन या तो कंट्रीब्यूशन से कम है या बराबर है तो वो विलिंग नहीं होगा जस्ट वो ऑफिस जाएगा आएगा लेकिन वो कभी खुल करके जो है कॉपरेट नहीं करेगा मोर ऑलवेज सेटिस्फेक्शन शुड बी मोर देन द कंट्रीब्यूशन बिकॉज दिस इज द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा जो ताकत है फिजिकल कॉग्निटिव लिमिटेशन है उसको हम ओवरकम करते हैं थ्रू कॉपरेशन जो कॉपरेशन कॉन्सियस होता है डेलिब्रेट होता है कोऑर्डिनेटेड होता है और नॉर्मल नहीं है बार्नार्ड के अनुसार से इस तरह की कॉपरेशन आदमी को बांधता है इंडिविजुअलिटी को कर्व करता है इसलिए जब उसको लोग उसमें ज्वाइन करते हैं तो उस पर्पस से करते हैं कि हमें सेटिस्फेक्शन मोर देन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम और एग्जीक्यूटिव का बहुत बड़ा रोल है इसमें बाय मेंटेनिंग कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम इंडिविजुअल मोटिव्स आर सेटिस्फाइड ऑर्गेनाइजेशन बिकम इफिशियंट और ये काम एग्जीक्यूटिव का है कि इस तरह से इकोनॉमी ऑफ इंड्यूसमेंट मैनेज करे ऑर्गेनाइजेशन में कि हर इंडिविजुअल जो है उसको लगे और उसको फील हो कि उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है कंट्रीब्यूशन से सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव फाइनली टाइप ऑफ इंड्यूसमेंट यदि देखें बर्नार्ड कहते हैं व्हाट ड्राइव कॉपरेशन किस टाइप के इंड्यूसमेंट जो है वो लोगों को विलिंगनेस के लिए ड्राइव करते हैं यहां पे आप याद कीजिए टेलर ने साइंटिफिक रीजन बोला कि इकोनॉमिक मोटिव्स होता है ये जो है ये उससे अलग होते हैं ये कहते हैं केवल इकोनॉमिक मोटिव नहीं है जो ड्राइव करता है विलिंगनेस को इकोनॉमी के अलावा बहुत सारे साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं तो उन्होंने दो पार्ट में इंड्यूसमेंट जो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है उसको बांटा है एक है स्पेसिफिक दूसरा है जनरल स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट में जो है मटेरियल बेनिफिट है सैलरी मिलती है मनी है टेंजिबल थिंग्स मिलता है आपको फिजिकल कंडीशन जो है घर मिलता है एंड ऑल ये सब मटेरियल बेनिफिट है नॉन मटेरियल बेनिफिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बर्नार्ड के अनुसार वो है प्रेस्टीज आपको मिलता है पर्सनल पावर आपको फील होता है सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करके देन आपको डिजायरेबल फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क आपको एक रूम मिलता है वहां पे आपको अच्छी लाइटिंग है बैठने का अच्छा अरेंजमेंट है कूल हॉट एंड ऑल काइंड ऑफ जो सपोर्ट फिजिकल जिसको कि आप हाइजीन बोलते हैं वो यदि मिलती है तो वो भी इंड्यूसमेंट है दैट इनटेंजिबल बेनिफिट जो दिखती नहीं है लाइक प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप आप कुछ काम करते हैं आपने कोई ऐप डेवलप किया और आपको फील होता है मेरे ऐप पे लोग काम कर रहे हैं सेंस ऑफ एडिक्वेसी आपको फील होता है एल्ट्रिस्टिक सर्विस आप पब्लिक सर्विस में आप आईएएस बनते हैं आपको फील होता है कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं उसका कोई मनी में कोई उसकी मोल नहीं है लॉयलिटी पैट्रियटिज्म आपको ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी देश के प्रति लॉयल्टी फील होता है आप आर्मी में काम करते हैं या आप नेशनल नेशन के लिए काम करते हैं जनरल जो इंड्यूसमेंट है जो स्पेसिफिक नहीं है वो हो सकता है एसोसिएशनल अट्रैक्टिवनेस ऐसा कई बार होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए अटक जाते हैं जनरली प्राइवेट कंपनी में आपके वहां बॉन्ड बन जाते हैं आप दोस्त डेवलप हो जाते हैं आपको उनको देख के ही खुशी होती है कि उन लोगों से मिलने के चलते आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ नहीं पाते हैं
एडॉप्शन ऑफ वर्किंग कंडीशन टू हैबिचुअल मेथड एंड एटीट्यूड. ऐसा होता है कि आपकी जो हैबिट है, कोई लोग 2 बजे उठ के काम करना चाहते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल वर्किंग रखता है, आपके एटीट्यूड जो होता है, कुछ आपको एडियोसिंक्रेसीज है उसको वो ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त करता है और आप उससे ऐसे ढल जाते हैं, आपकी ऐसी हैबिट एटीट्यूड बन जाती है उस वर्किंग कंडीशन में, ऐसे अडॉप्ट हो जाते हैं कि आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, वो भी एक इंड्यूसमेंट हो जाता है. आप बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज करेंगे भाई तो हमारा हैबिचुअल मेथड एटीट्यूड से मैच करना मुश्किल होगा. अपॉर्चुनिटी फॉर इन लार्ज पार्टिसिपेशन. आप यदि इंडिविजुअल काम करते हैं तो आपको जो लार्जर पार्टिसिपेशन का जो फीलिंग होता है वो नहीं होता है, जो ग्रुप में जाकर के आपको होती है. देन कम्युनिकेशन बेनिफिट, कम्युनिटेरियन बेनिफिट मिलता है, जो कम्युनिटी में कलेक्टिविज्म में जो आपको होती है, आप बीमार पड़ जाए तो लोग आपका हेल्प करें, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है, आपको एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको एक जनरल इंड्यूसमेंट है. तो बार्नार्ड का कहना है कि मनी एक बहुत स्मॉल पार्ट है. यदि आप किसी को कॉपरेशन चाहते हैं, एम्प्लॉई को, यदि आप ऑर्गेनाइजेशन में उसको इफिशियंट बनाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इंडिविजुअल मोटिव को सेटिस्फाई करना होगा और इंडिविजुअल मोटिव का बेस केवल इकोनॉमिक नहीं है. आदमी इकोनॉमिक मैन की तरह बिहेव नहीं करता है, वहां उसका साइकोलॉजी काम आता है, सोशियोलॉजी काम आता है और बहुत सारे अलग जो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के, वो वहां पिक्चर में आते हैं. तो दिस इज द बिहेवियरलिज्म of Barnard in the organizational theory. अब आइए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बार्नार्ड के कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे चर्चा करते हैं. Formal organization is a well-defined structure, consciously coordinated, deliberate and purposeful cooperative social system. Already explained kar chuke hain. It can be, formal organization can be depicted through organizational chart, formal rules, regulation, hierarchy, manual. In sab se aap usko dekh sakte hain ki ye formal organization, jaan sakte hain who is who. Char characteristic hote hain formal organization ke. एक सिस्टम है, मतलब सिस्टम क्या होता है, ऐसे इकोसिस्टम है जिसमें कि डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं वो कम्युनिकेशन से जो है इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से एनर्जी आदान प्रदान करते हैं और मिल करके एक ओवरऑल जो है सिस्टम बनाते हैं जिसमें इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होती है. दिस इज कॉल्ड सिस्टम. तो उनका ये सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज ए काइंड ऑफ सोशल कोऑपरेटिव सिस्टम. डीपर्सनलाइजेशन, यहाँ पे जो है पर्सन अपने को सब अज्यूम कर देता है, ऑर्गेनाइजेशनल इम्पर्सनल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होते हैं कॉमन होते हैं, वो पर्सनल गोल नहीं होते हैं और उसमें रोल और पोजीशंस जो हैं, जो वेवर को याद कीजिए, वो इनपर्सनलाइज हो जाते हैं. स्पेशलाइजेशन होता है, डिविजन ऑफ वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी उसका एक पार्ट है. सो 4 कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टम्स, डीपर्सनलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब आइए कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये समझना बहुत आसान है. आप सभी यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं ऑलरेडी तो आप समझ पाएंगे. इट इज ए सिस्टमेटाइज्ड सोशल इंटरेक्शंस एंड रिलेशंस अमंग मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट पर्सनल लेवल. आप जो है लंच करते हैं अपने लंच टाइम में अपने कुलीग्स के साथ, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मल पार्ट नहीं है. वहां पे आप हंसी मजाक करते हैं, जोक करते हैं, आप अपने बॉसेस को जो है कोसते हैं, उन पे भी जोक बनाते हैं और आप एक बॉन्ड डेवलप करते हैं. आप इसी तरह कोई फंक्शन में जाते हैं जो कि आपके कुलीग्स ने रखा है, आपका बर्थडे ऑफिस में सेलिब्रेट करते हैं, बैचमेट जो है लंच करते हैं. दिस ऑल आर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. उसमें एक अलग जो है हायरार्की है, अलग बॉन्डिंग है जो बहुत अमॉर्फस है. वहां पे हॉरिजॉन्टल लेवल पे लोग जुड़ते हैं, वहां कोई कमांड कंट्रोल का ऑथोरिटी सबॉर्डिनेशन नहीं होता है. इवन यदि सीनियर्स आपके साथ जुड़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके दोस्त कैसे जुड़ते हैं. इट इज एन एग्रीगेट ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड इंटरेक्शंस एंड ग्रुपिंग ऑफ पीपल इनसाइड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. वेरी ऑब्वियस रोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसको यदि आपको ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल समझना है तो आपको उसके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा, जो बिना उसके मेंबर हुए आप समझ नहीं सकते हैं. इट हेल्प अंडरस्टैंड हु इज हु, what is what and why is why of its formal society, informal society. मतलब वहां पे जो है असली बॉन्ड बनते हैं, वहां पे पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली कौन क्या रोल है और क्या है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत कुछ पता ही नहीं चलता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत हेल्प करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को. इट हेल्प द ऑपरेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूव कम्युनिकेशन, इनहांसेस कोहेशन एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल. बार्नार्ड कहते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आगे आता है. वो आपको एज ए पर्सन एक्सेप्ट करता है, नॉट एज ए इम्पर्सनल ऑर्गेनाइजनर रोल में
आपका पोजीशन के अनुसार आप वहां एक्सेप्ट नहीं होते, वहां आप खुल करके अपनी डायलॉग कह सकते हैं, जो आपका फ्री विल है उसको आप शो कर सकते हैं। तो एक तरह का आपको इंडिविजुअलिटी को बचाने का ये काम करता है, ये कोहेसिवनेस पैदा करता है और ये इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन को। आपको पता है कि जो ग्रेप वाइन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यदि कोई चीज फैलानी है आपको, तो लीडर्स जो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प लेते हैं, वो मिनटों में जो है आपको, जब व्हाट्सएप पहले नहीं भी था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, तब भी जो है मिनटों में खबर जो है ऑर्गेनाइजेशन में फैलती थी थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो हेल्प स्टेबलाइज एंड इंक्रीज द जोन ऑफ इनडिफरेंस। आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या है फिक्शन ऑफ अथॉरिटी, आगे एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाती है ये, इट मेंटेन द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड फेस ऑफ डीपर्सनलाइज्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वन ब्रेक्स डाउन इन एब्सेंस ऑफ अदर, यदि एक गया टूट गया तो दूसरा भी खत्म हो जाता है, दोनों एक दूसरे पर आधारित है। एग्जीक्यूटिव शुड बी अवेयर ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है कुछ एग्जीक्यूटिव अवेयर ही नहीं होते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उनके ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन कर रहा होता है और वो फेल हो जाते हैं। दे शुड क्रिएट मेंटेन एंड यूज इट फॉर मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, और उनको क्रिएट करना चाहिए जहां पे कि नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसको मेंटेन करना चाहिए, उसको हेल्दी रखना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि ग्रेप वाइन इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए कुछ, मतलब कई बार ऑथोरिटी आपको ऐसा फील होता है कि मेरे ऑर्डर को नहीं माना जाएगा तो लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेते हैं। एक लार्जर कंसेंसस बनाने के लीडर पहले ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को बुला करके एक कंसेंसस डेवलप करते हैं, तब ऑर्डर पास करते हैं। देयर आर मेनी रोल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्लाइड मैंने जस्ट रिपीटेशन के लिए दिया है कि फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, यदि आप देखें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चरलेस, फॉर्मलेस, शेपलेस है। फॉर्मल विजिबल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट मैनुअल से, इनफॉर्मल इनविजिबल हिडन फ्रॉम फॉर्मल व्यू, आप नहीं देख सकते बिना उसको समझे हुए। लीगल एंटिटी है फॉर्मल, नो लीगल स्टैट्यूट है इनफॉर्मल का। डीपर्सनलाइज्ड है, इम्पर्सनल है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज पर्सनलाइज्ड, पर्सनल एंड ग्रुप इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है। रूल रेगुलेशन हायरार्की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि पर्सनल लॉयलिटी फेथ ग्रुप नॉर्म्स ये सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर हैं। कोऑपरेशन इज डेलिबरेट कॉन्शियस एंड कोऑर्डिनेटेड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि यहाँ पे कोऑपरेशन जो है स्पॉन्टेनियस होता है इनफॉर्मल में। सोसाइटी प्रोग्रेसेस थ्रू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज इट प्रोवाइड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स वाइटलिटी एंड नर्चर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम। नाउ कम टू एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटीज पे, एक दो स्लाइड मैंने अथॉरिटी पे लिया है। ये उन्होंने अपने बुक में बहुत ही एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया दिया अथॉरिटी का, जो कि नॉर्मल अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल अथॉरिटी होता है टॉप डाउन, ऊपर से कमांड एंड कंट्रोल। आपको अथॉरिटी का मतलब है यू पास ऑन ऑर्डर, जो आपके सबॉर्डिनेट मानते हैं तो आपको अथॉरिटी है। लेकिन बार्नार्ड एक बहुत ही अलग आइडिया देते हैं, क्या है जरा समझने की कोशिश करें। उनके अनुसार से अथॉरिटी इज द कैरेक्टर ऑफ ए कम्युनिकेशन, मतलब ऑर्डर in a formal organization by virtue of which it is accepted by the subordinate as governing the actions he contributes. Iske maine kya hain? For Barnard, authority is a specific feature of communication jisme kuch aisi baat us communication mein hoti hai ki jo subordinate hai wo usko manta hai aur uske action jo cooperative actions hai usko wo affect karta hai, tab usko hum authority bolte hain। ये एक बॉटम अप कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी है इंस्टीड ऑफ द क्लासिकल टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें वेदर एन ऑर्डर हैज अथॉरिटी और नॉट लाइज विथ द पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस्ड एंड डज नॉट रिसाइड इन पर्संस ऑफ अथॉरिटी और दोज हु इश्यू दीज ऑर्डर्स। मतलब ये अथॉरिटी उस पर डिपेंड करती है सबॉर्डिनेट पे जिसको वो ऑर्डर दिया जाता है, यदि वो उसको एक्सेप्ट करता है तो वो अथॉरिटी एस्टैब्लिश होती है, उस ऑर्डर को हम अथॉरिटेटिव ऑर्डर कह सकते हैं, यदि नहीं तो कोई अथॉरिटी नहीं है, उस ऑर्डर को अथॉरिटेटिव हम नहीं मान सकते हैं। सो इसको कॉन्सेंट थ्योरी ऑफ अथॉरिटी भी कह सकते हैं। ये जो पावर जो चॉइस का है अथॉरिटी को मानना ना मानना, वो सबॉर्डिनेट के पास है, वो सुपीरियर के पास नहीं है। एक बहुत ही नॉवल कॉन्सेप्ट, पूरे टर्न डाउन कर दिया इन्होंने। चार नेसेसरी कंडीशन टू मेक द कम्युनिकेशन अथॉरिटेटिव, कौन ये कंडीशन है जो किसी कम्युनिकेशन को अथॉरिटेटिव ऑर्डर में बदल देते हैं।
फर्स्ट है कम्युनिकेशन इज अंडरस्टूड, पहला है कि कम्युनिकेशन, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके ऑर्डर जो है सबॉर्डिनेट समझ ही नहीं पाते इसके मायने क्या है, उसको इंटरप्रेट करते रहते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट होता है. सो कम्युनिकेशन इज वेल अंडरस्टूड फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन है इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यदि कोई ऑर्डर जो कॉमन पर्पस ऑर्गेनाइजेशन का है उससे अलग होगा तो सबॉर्डिनेट उसको नहीं मान सकते हैं. इट इज कंपेटेबल विद द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट एज ए होल. देखिए ये ह्यूमन नेचर है, यदि कोई ऑर्डर ऐसा हो किसी सबॉर्डिनेट को बोलिए कि आप अपनी सैलरी को आधा काटने का ऑर्डर इशू करो, क्या वो अपना ऑर्डर इशू करने लगेगा, टाइप करने लगेगा, वो हिचक जाएगा. तो कोई उसके पर्सनल इंटरेस्ट पे यदि कोई आएगी तो उस ऑर्डर को मानना बहुत मुश्किल होगा. सबॉर्डिनेट इज मेंटली एंड फिजिकली एबल टू कंप्लाई विद इट. आप कोई सपोज फिजिकली चैलेंज है, आप उसको बोलिए तुम दौड़ करके ये काम कर लो, इस टाइप के ऑर्डर. या कोई ट्यून को आप बोलिए कि तुम कोई हायर लेवल उसको क्वांटिटी टास्क दे दीजिए, बोलिए कि ऐसे करो तुम इसको अरेंज करो इस आइटम को, ही विल नॉट एबल टू डू इट. तो ऐसे चार कंडीशन होने से ही कोई जो है कम्युनिकेशन ऐसा ऑथोरिटेटिव ऑर्डर में बदल सकता है. एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू परसुएड रादर देन टू कमांड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, persuasion, command नहीं. Legitimate executive authority is based on the grounds of functional skill, expertise and not hierarchical position. केवल आप ऊपर बैठ जाएंगे उससे आपका order जो है वो authoritative नहीं हो जाएगा. यदि आप में expertise है, आप में skill है, तो subordinate उसको ज्यादा मानेगा, willing होगा आपके order को मानने के लिए, आपकी authority ज्यादा establish होगी. जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है जो आगे स्लाइड में लिखेंगे, यहाँ केवल आप एक लाइन देखिए. देयर एग्जिस्ट ए जोन ऑफ इंडिफरेंस. हर आदमी का अपना एक जोन ऑफ इंडिफरेंस होता है, हर सबॉर्डिनेट का, विद इन विच ऑर्डर्स आर एक्सेप्टेबल विदाउट कंसियस क्वेश्चनिंग ऑफ देयर ऑथोरिटी. यदि ऑर्डर उस जोन में होते हैं, जोन ऑफ इंडिफरेंस में, तो सबॉर्डिनेट दिमाग भी नहीं देता कि किसने ऑर्डर इशू किया, उसका क्या कंटेंट है, क्या पर्पस है, वो सीधा उसको मानता है, अनकंसियसली उसको अंधभक्त की तरह फॉलो करता है. जोन ऑफ इंडिफरेंस में ऑर्डर होते हैं. तो क्या है जोन ऑफ इंडिफरेंस, ये हम लोग आगे देखेंगे. लेकिन उसके पहले, जोन ऑफ इंडिफरेंस के पहले, एक और नोबल कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया, फिक्शन ऑफ ऑथोरिटी. फिक्शन मिथ मतलब कोई सच्चाई नहीं है, इमेजिन्ड ऑथोरिटी. बार्नार्ड का कहना है कि एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर हेल्प एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन हु ऑब्टेन नेट बेनिफिट फ्रॉम इट. आपको पता है कि इंड्यूसमेंट या बेनिफिट जो है वो ज्यादा होते हैं कंट्रीब्यूशन से, तो ऑर्गेनाइजेशन में सभी को फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे, उसका पर्पस मीट होता रहे. ऑर्डर्स यदि नहीं मानेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन पर्पस हार्म होगा, तो सभी को बेनिफिट, मतलब हर कोई उससे जो है वो अफेक्टेड होगा, उसकी बेनिफिट कम होगी. इसलिए सभी कोई चाहता है कि कोई सबॉर्डिनेट जो ऑर्डर को ना काटे. तो एक फिक्शन ऑफ ऑथोरिटी बनाई जाती है, एक मिथ ऑफ ऑथोरिटी बनाई जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. हेंस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट एंड सस्टेन मिथ और फिक्शन ऑफ ऑथोरिटी, क्योंकि ये सबके लिए लाभकारी है कि हर सबॉर्डिनेट जो है वो माने. Thus, authority is not real but fictional. मतलब imaginary है. As subordinate accept the authority because they find it beneficial for themselves and for others member of the organization. This fiction merely establishes a presumption among individuals in favor of the acceptability of orders from superior, enabling them to avoid making issues of such orders without incurring a sense of personal subservience or a loss of personal or individual status with their fellow. ये जब भी मैं apostrophe में लिखता हूँ इस पूरे वीडियो में, तो वो बार्नार्ड का खुद के लाइन है, और आप देख सकते हैं कि इंग्लिश काफी उनकी आर्किक है, ट्विस्टेड है, समझना मुश्किल है. ये सभी कंप्लेन करते हैं. इस लाइन का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ये कहते हैं कि ये जो फिक्शन एस्टैब्लिश किया जाता है वो एक प्रिजम्पशन है, बस एक एजम्पशन से मान लिया गया है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का कि ऑर्डर्स को मानना चाहिए सुपीरियर का, उससे उनको सबको फायदा है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पर्पस पूरा होता है, उससे नेट बेनिफिट मिलता है, और इसको मानने में किसी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है क्योंकि उससे उनको ये फील नहीं होता है कि उनका कोई पर्सनल
किसी का ऑर्डर वो मान रहे हैं, वो किसी से नीचे हो गए हैं, ये फीलिंग नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर मानने में आप फील कीजिए कि सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होता है, वो मंत्री का ऑर्डर मानता है, मंत्री उसे एज में छोटा होता है, उसको कोई शर्म नहीं आता है, बिकॉज वो सोचता है कि एज ए पर्सन हम जो है सब सर्वेंट नहीं है उसके, हम पर्सन उससे नीचे नहीं है, हमारा रोल जो बोलता है तुम्हारा मानना है तो मानेंगे। तो ये फीलिंग, और इसके अलावा आप यदि झुक के अपने बॉस की बात मान लेते हैं तो आपका लॉस ऑफ पर्सनल इंडिविजुअल स्टेटस भी नहीं होता आपके फेलो मेंबर में। आपका लोग जो नहीं सोचते कि तुम कैसे झुक के अपने बॉस की बात मान रहे हो, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में, वहां ऑर्गेनाइजेशन रोल आप प्ले कर रहे हैं, तो एक पूरा मिथ बनता है कि भाई मान लेने में ही भलाई है, इसको इश्यू बनाने से फायदा नहीं है। सो दिस इज फिक्शन ऑफ अथॉरिटी। फिक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन। सबसे मजेदार है जब आपका डिसीजन कोई और लेता है, आप मान लेते हैं ऑर्डर, तो आप बोलते हैं भाई मेरे बॉस ने बोला था, मैंने उसको माना, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बच जाते हैं, इसलिए भी लोग फिक्शन ऑफ अथॉरिटी क्रिएट करते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स आर इन जोन ऑफ इनडिफरेंस, और ये क्लियर रखा जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा कि अधिकतर ऑर्डर जो है जोन ऑफ इंडिफरेंस में ही दिए जाए, इसलिए दे आर एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन एंड दस हेल्प मेंटेन फिक्शन ऑफ अथॉरिटी। तो जोन ऑफ इंडिफरेंस भी जो है फिक्शन ऑफ अथॉरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो दिस इज अ वेरी नोबल कॉन्सेप्ट, फिक्शन ऑफ अथॉरिटी, और इट्स ट्रू। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे आप समझेंगे कि जो अथॉरिटी है वो इमेजिन्ड है, वो मिथ है, वो जो है ट्रू नहीं है, इनटेंजिबल है, उसको मान लिया जाता है, जिसमें सबकी भलाई होती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन एज एक्सप्लेन। फाइनली जो है इस वीडियो को हम खत्म करेंगे जोन ऑफ इनडिफरेंस के साथ। जो जोन ऑफ इनडिफरेंस मैंने बार बार अभी तक बताया, यदि आप सभी ऑर्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में दिए जाते हैं, यदि उसको किसी इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट के कॉन्टेक्स्ट में यदि उसको आप अरेंज करें, तो आप तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी होगा जो कि जोन ऑफ डिनायल है, मतलब कुछ ऑर्डर्स हैं जो बिल्कुल मानेगा ही नहीं, जो उसके फिजिकल कैपेसिटी से बाहर है, जो बिल्कुल ऑब्नॉक्सियस है, जो उसको बिल्कुल उसके पर्सनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, तो वो जोन ऑफ डिनायल है। देन सेकेंड कैटेगरी वो आएगा जहां वो न्यूट्रल है, वो मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है, बॉर्डर लाइन पे है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे बॉटम में आप देखिए राइट हैंड साइड में जोन ऑफ इंडिफरेंस है, ऑर्डर विच आर ऑलवेज एक्सेप्टेड अनकंसियसली, मतलब वो ऑर्डर्स हैं जिसको कि उसको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चार, मतलब जो आपको मैंने बताया कम्युनिकेशन कैरेक्टर उसमें फील करता है, और वो उसका जो फिक्शन ऑफ अथॉरिटी है उसके अंदर में आता है, उसको कोई इश्यू नहीं, आंख मूंद करके वो जो है ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करता है। आप जैसे अपने प्यून को बोलते हैं चाय लाओ, वो क्या एक मिनट भी सोचता है कि चाय लाओ, कि चाय लाना सही है नहीं है? आप अपने पीए को बोलते हैं इसको फोन लगाओ, वो सोचता भी नहीं है। दीज आर द ऑर्डर्स जो कि जोन ऑफ इंडिफरेंस में आता है। विद इन दिस जोन सबऑर्डिनेट आर रिलेटिवली इनडिफरेंट एज टू व्हाट द ऑर्डर इज, they follow is without questioning the authority. Executives should be aware and conscious of this zone. उनको अच्छी तरह पता होना चाहिए, और order केवल उसी zone में issue करना चाहिए। यदि आपने कोई order neutral zone या zone of denial में दिया, तो आप खतरे में हैं, आपकी authority गायब हो जाएगी, क्योंकि authority Barnard concept fictional है, वो नहीं माना, तो आपकी authority चली गई। The zone of indifference will be wider or narrower depending upon, वो छोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, आप इसको बढ़ा सकते हैं कैसे। Equation between inducement satisfaction and sacrifices burden contribution, जितना ही ज्यादा inducement होगा in comparison to burden sacrifice, उतना ही zone of indifference जो है बड़ा होगा। यदि आपका personal loyalty हो, यदि आप अपने प्यून को, suppose वो टेम्प्रोरी है, आपने उसको परमानेंट कर दिया, उसकी लॉयल्टी इतनी हो जाएगी कि आपका कोई भी ऑर्डर मानने के लिए तैयार हो जाएगा, उसका 100% आपका ऑर्डर जो है जोन ऑफ इंडिफरेंस में आ जाएगा। फिक्शन ऑफ अथॉरिटी, जितना ही फिक्शन ऑफ अथॉरिटी बड़ा होता है, उतना ही ऑर्डर जो है वो जोन ऑफ इंडिफरेंस में चला जाता है। ग्रुप इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, रोल ऑफ इनफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वो फिक्शन ऑफ अथॉरिटी बनाने में और इन्फ्लुएंस करने में जोन ऑफ इंडिफरेंस को, ग्रुप इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, यदि एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, उसमें मोरल कंडक्ट है, इंटीग्रिटी है, और वो मैनेज कर पाता है इकोनॉमी ऑफ इंड्यूसमेंट को बेटर वे में, ट्रस्ट फेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि वो जनरेट करता है, तो जोन ऑफ इंडिफरेंस सबऑर्डिनेट का बढ़ता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी नोबल कॉन्सेप्ट, जोन ऑफ इंडिफरेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून इन द सेकेंड एंड कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑन चेस्टर बर्नार्ड। थैंक्स, गुड विशेस।